माईटेक चैनल। आज हम बात करने वाले ELGI इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में। कंपनी देखिए, इसका शेयर आज आपको 34.50 रिटर्न आज रुपीज दिया है, जो कि 14.97 आज को डे में तेजी देखने को मिला है, जो कि 265 आपको आज प्राइस पे क्लोजिंग दिया है। कंपनी का शेयर देखिए 230 आसपास ही ओपन हुआ था और चला गया आपको डायरेक्टली 265। ये देखिए शेयर का प्राइस यहाँ से यहाँ पर चला गया है। देखिए ये जानेंगे इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, आगे इसमें तेज़ी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। इसका डिटेल्स जानने के लिए वीडियो का एंड तक बने रहो और इसका टेक्निकल एनालिसिस भी मैं करूँगा आपको, इसका अगला टारगेट क्या रहेगा। और इसका क्वार्टर रिजल्ट भी ज़बरदस्त प्रॉफिट आया है, पिछला क्वार्टर से ज़बरदस्त इसका मतलब जम किया है क्वार्टर रिजल्ट। इसका जो अभी FIS और FPIs इसका इंक्रीज हुआ है होल्डिंग, और शेयर में आपको बहुत अच्छा तेज़ी आगे देखने को मिल सकता है। तो चलो जानने के लिए देखते हैं इस वीडियो पे, और वीडियो का एंड तक बने रहो आप। यहाँ पे देखिए आज ये गया है, देखिए 52 एक यहाँ पे 52 लो देखिए 126.10 और है हमारा था 273। अभी 273 है, ये 52 हाई का अभी चल रहा है, और ये लो मारा था आज का डे के दिन 233.75, जो कि 267 आज पॉइंट 20 पे ये क्लोजिंग दिया है 36.70 रुपीज, 15.92% आज इसमें देखने को मिला है तेजी। फ्रेंड्स देखिए आज से इसका देखिए एनएसई के साइड पे सीआर देखिए 265 ये आज क्लोजिंग दिया है और 34.50 गया है 14.97%। फेस वैल्यू देखिए इसका 1 है और आज देखिए सीआर कितना ट्रेडिंग हुआ है 89,54,001 इसका ट्रेड वॉल्यूम है, मतलब आज सीआर ट्रेड हुआ है, ट्रेड वैल्यू निकल के आ रहे हैं 1,00,000 में 23,121,00,000 का इसमें वैल्यू इसका ट्रेड हुआ है। फ्री फ्लोर मार्केट कैप कंपनी का देखिए 5,758 है फ्री फ्लोर मार्केट कैप, देखिए 52 हाई गया है 273 जो आज का डे का मतलब सॉरी ये 273 ये हाई मारा है, और इसका जो लो गया है देखिए 126.10। देखिए इसका डिलीवरी में क्वांटिटी कितना उठाया गया, ये वाला दो नंबर 13,99,616 इसका माल उठाया गया आज का डिलीवरी पे, जो कि 15.63% है। आज का जितना टोटल माल उठाया गया उसमें से 15.63% आपका माल उठाया गया डिलीवरी में। देखिए कंपनी काम क्या करता है, ELGI इक्विपमेंट लिमिटेड इन कॉर्पोरेट 1960 का कंपनी है। इक्विपमेंट लिमिटेड हैज अलोंग विद सब्सिडरीज इन सच एज बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सप्लाइंग एयर कंप्रेसर, ये एयर कंप्रेसर बनाता है एंड ऑटोमेटिव इक्विपमेंट, इट इज द ऑल्सो प्रोवाइडिंग रिलेटेड आफ्टर सेल्स सर्विस, मतलब सेल्स सर्विस भी ये प्रोवाइड करता है कंपनी। कौन सा एयर कंप्रेसर का, ऑटोमेटिव इक्विपमेंट का प्रोडक्ट ऑफरिंग द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाइड रेंज ऑफ द ऑयल लुब्रिकेट एंड द ऑयल फ्री एयर कंप्रेसर इंक्लूडिंग द स्क्रू कंप्रेसर पिस्टन, मतलब ये बनाता है क्या आपका कंप्रेसर बन रहा है, स्क्रू कंप्रेसर बोल रहा है, पिस्टन भी बोल रहा है यहाँ पे देखिए। और देखिए मार्केट कैप इसका है 8,470 है मार्केट कैप, और इसका जो करंट प्राइस है 267 है, और इसका लो गया है 127 और है 274। देखिए फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है कंपनी का, ROCE है 13.1 और ROE है आपका 12.4। कंपनी डिविडेंड भी देता है 0.30% यहाँ पर दिखा रहा है। चलो देखते हैं कंपनी, देखिए हर इसका सेल देखिए क्वार्टर रिजल्ट ज़बरदस्त आया, क्वार्टर रिजल्ट हर साल ये प्रॉफिट दे रहा है, क्वार्टर रिजल्ट देखिए कंटिन्यूस प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए दिसंबर 18 में इसका 23 करोड़ का प्रॉफिट आया था, फिर 36 करोड़ आया, फिर देखिए 17 ये थोड़ा गिरा, और देखिए 1 करोड़ पे ये चला गया था आपका मार्च 2020 जो अगले कोरोना के टाइम, फिर जून में देखिए -9 में चला गया, फिर देखिए इसमें ग्रोथ देखने को मिला 33 करोड़ इसका प्रॉफिट आ गया, फिर देखिए 35 देखिए यहाँ से कंटिन्यूस ग्रोथ है 43 करोड़, फिर देखिए जून 2021 में ये थोड़ा 12 करोड़ आ गया था जो कोरोना के वजह से शायद ये गिरा था, फिर देखिए अभी एक 52 करोड़ का ये प्रॉफिट आया सितंबर 2021 के, जो कि ज़बरदस्त प्रॉफिट ये आपको दिया है कंपनी 52 करोड़। पिछला क्वार्टर था आपका 12 करोड़ से डायरेक्टली 52 करोड़ चलाया है कंपनी। यहाँ पे देखिए कंपनी का एसेट देखिए 2010 में 517 था, अभी देखिए ग्रोथ हो गया कितना हो गया, देखिए 1000 ये टच किया आपका 1000,
मार्च 13 पे, और देखिए यहाँ पे अभी करेंटली देखिए इसका 1886 है, सितंबर 2021 को, 2021 सितंबर को है 1886। देखिए कंपनी अभी ज़बरदस्त कैश फ्लो है, पहले मार्च 10 में था 95 करोड़, देखिए ये देखिए माइनस में चला गया, ये कब आपका मार्च 13 पे और मार्च 14 पे, देखिए यहाँ से फिर ग्रोथ हुआ और यहाँ से फिर दब गया है 18 पे। अभी देखिए यहाँ से मार्च 2020 में माइनस 25, अभी देखिए इसका कैश फ्लो है 82 करोड़, कंपनी चलाने के लिए अच्छा खासा कैश भी कंपनी के पास अभी करेंटली है। इसका देखिए प्रमोटर होल्डिंग देखिए इसका 31.90 था दिसंबर 18 में, अभी देखिए इसका करेंटली 31.19, प्रमोटर अभी इसमें चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए एफ आई 17.36 और ये दिखा रहा है एफ आई एस, देखिए इसमें इंक्रीज हुआ है 23.82, और देखिए 10.DIS था 10.08, अभी इसका देखिए 7. इसमें थोड़ा गिरावट आया है, और पब्लिक देखिए 40 था, अभी 36. पब्लिक में भी थोड़ा आपको मतलब ये डिक्रीज देखने को मिल रहा है, और देखिए ऑदर देखिए 0.0 था, अभी देखिए 0.12% ऑदर है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए एलजी इक्विपमेंट स्टैंड अलोन सेप्टेम्बर सेल 2021 देखिए नेट सेल हुआ आपका 416.52 करोड़, जो कि 57.03 करोड़, मतलब पिछला सेप्टेम्बर से ये हुआ है 57.03 करोड़ का ज़्यादा सेल ये साल हुआ है क्वार्टर। यहाँ पे डाटा क्या शो कर रहा है, देखिए नेट सेल 416.52 करोड़ इन सेप्टेम्बर 2021 और 57.03 फ्रॉम द 265.25 करोड़ इन द सेप्टेम्बर 2020, मतलब सेप्टेम्बर 2020 में 265 करोड़ हुआ था प्रॉफिट, अभी मतलब सॉरी सेल हुआ था, और करेंटली है 416 करोड़ का ये इस सेप्टेम्बर हुआ है। देखिए क्वार्टर नेट प्रॉफिट हुआ था 56.92 करोड़ 2021 सेप्टेम्बर पे, और ये 29 करोड़ इसका हुआ था 2020 सेप्टेम्बर पे। एबिटा शो कर रहा है 84.18 करोड़ सेप्टेम्बर 2021 को, जो कि 70.34 इसका ग्रोथ देखने को मिला तेजी, और ये पिछला था आपका 49.42 करोड़, और इसका जो देखिए ईगल है ई पी एस हैज इंक्रीज हुआ, ई पी एस देखिए अर्निंग देखिए 1.80 सेप्टेम्बर 2021 को, मतलब दिस सेप्टेम्बर ये 1.80 ई पी एस में भी इसको इंक्रीज देखने को मिला, जो कि पहले सेप्टेम्बर में था 0.94। देखिए डिविडेंड दे रहा है 0.8, 1.65, 1.30, 1.20, 0.1। रेवेन्यू में भी देखिए ग्रोथ आपको देखने को मिला, रेवेन्यू ये रेवेन्यू जो है इसमें देखिए ग्रोथ आपको देखने मिल रहा है, ये देखिए 1370 था, फिर हो गया 1600 हो गया, फिर देखिए 1800 हो गया, फिर 1829 हो गया, देखिए 1924 अभी करेंटली है इसका जो रेवेन्यू। शेयर होल्डिंग चार्ट देखिए इसका 31 है, 31.90 है आपका प्रमोटर है, 0.011 है, 0.11 है आपका अदर्स है, 36.82 है पब्लिक, 7.34 है टी आई एस, और एफ आई एस है 23.82। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखिए इसका प्रमोटर होल्डिंग रिमेंस अनचेंज, मतलब 13.91 से 13.91 अभी करेंटली है। म्यूचुअल फंड है भी डिक्रीज हुआ है, और नंबर ऑफ एमएस कैम ये डिक्रीज हुआ है, देखिए इसमें एफ आई और एफ पी आई इसमें ये इंक्रीज किया 23.02 to 23.82, मतलब अभी ये आपको इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है 23.02 to 23.82 आपका एफ आई और एफ पी आई, देखिए यहाँ पे 9 ये चेंज दिखा रहा है, जो कि 0.8% है, मतलब देखिए शेयर बहुत अच्छा है, आप इसको खरीद कर रख सकते हो, आगे आपको बहुत प्रॉफिट देगा। तो फ्रेंड्स चलो रखता हूँ, बाय। मैं शेयर का डाटा आपको दिखा चुका हूँ, चाहते तो आप खरीद सकते हो।